आपने नेताओं को पीठ पीछे बुराइयां करते हुए सुना होगा, या फिर अलग अलग मंच से अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार करते, लेकिन आपने एक ही मंच पर दो पार्टियों का प्रचार होते हुए नहीं देखा होगा। हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी के लिए सजे मंच पर कैसे बसपा का प्रचार किया जा रहा है। तो इसलिए आप 12 तारीख को एक एक वोट आप हाथी के। दरअसल फरीदाबाद में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर के लिए सजाए गए मंच पर उनकी मौजूदगी में प्रथला विधानसभा के विधायक टेकचंद शर्मा ने 12 मई को हाथी का बटन दबाने की अपील कर डाली। तो इसलिए आप 12 तारीख को एक एक वोट आप हाथी के। जब विधायक टेकचंद शर्मा बसपा के लिए वोट मांग रहे थे, तो उस वक्त बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ कि कमल के फूल पर लगा करके, क्योंकि यहाँ चौपाल पर मैंने हाथी की वोट बहुत मांगी, मैं इसलिए ये गलती से निकल गया, मैं क्षमा भी चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। जनसभा को संबोधित कर रहे टेकचंद शर्मा ने पहले तो कहा कि आने वाली 12 मई को हाथी तो उन्होंने लगा कि गलती हुई है। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत सॉरी बोलते हुए कमल के निशान पर वोट मांगने की अपील की, लेकिन एक बार फिर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने चौपाल से कई बार हाथी के निशान के लिए वोट मांगे हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। ऐसे में चर्चाएं तेज हैं कि क्या बसपा से जीत कर आए टेकचंद शर्मा का प्यार अभी भी बसपा में बरकरार है।